क्लास इलेवेंथ एग्जाम्पल फाइव पॉइंट फाइव टू आइडेंटिकल बिलियड बॉल स्ट्राइक आ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स तो हमारे पास उसने कहा क्या है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जैसे हम पूल खेलते हैं जब बिलियड्स खेलते हैं वो बॉल्स ना इस साइज़ की होती है ऑलमोस्ट स्ट्राइक कर रही हैं एक रिजिड बॉल मतलब सख्त दीवार पे विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स तो मेरे पास दो सिनेरियो आ गए फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस एक में हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल टू द वॉल स्ट्राइक कर रही है एट अ सम एंगल थर्टी डिग्री टू द वॉल ये स्ट्राइक कर रही है गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड एज शोन इन फिगर फाइव पॉइंट सिक्स वट इज ए पार्ट में हमें क्या फाइड करना है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल हमें दोनों केसेज में डायरेक्शन फाइट करनी है फोर्स की एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड

ठीक है जो इस एंगल पे आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी तो इस वेलोसिटी को मैं दे लेता हूँ नेगेटिव वेलोसिटी मुझे फाइंड क्या करना है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल अब इन दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू बॉल ऑन द वॉल तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टू होता है सेकंड लॉ ठीक है जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ से बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है हमें एक्सरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है नहीं तो हम इजिली फाइंड कर सकते थे तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे रिलेशन ऑफ इम्पल्स ठीक है मुझे मालूम है इम्पल्स भी एक फोर्स से होती है ठीक है ना यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है कि इम्पल्स है ना वो किसके किसकी होती है फोर्स इन टू टाइम ये बुक में क्वेश्चन है फाइव पॉइंट आप चेक भी कर सकते हैं वहाँ से एंड इम्पल्स आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ठीक है हम चेंज इन मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं जो मेरी फोर्स इन टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आ सकता है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है इज इक्वल टू किसके आ जाएगा फोर्स इन टू टाइम टाइम तो हमें फाइंड क्या करना था फोर्स तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम सो चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा पी से चेंज इन मोमेंटम और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से तो फोर्स हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम अब इस फॉर्मूले से देखते हैं हम मोमेंटम हमारा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है सो so, लाइक like, इसे मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो पी टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी वन अपॉन टी तो देखते हैं कि मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना था सो लेट पी वन वीर वी आवर इनिशियल मोमेंटम मेरे पास मास है एम विद द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव यू सो मोमेंटम किसके होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो एम यू तो इस केस में देखिए आपको रेफरेंस प्लेन दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप ध्यान से देखिए इस ए फिगर में मेरे पास सिर्फ चेंज इन एक्स एक्सिस हो रहा है नो चेंज इन वाई एक्सिस तो हम मोमेंटम इन वाई एक्सिस हमारा जीरो ही होगा सो एंड पी टू अब सेम मास इंटू वालासटी तो वेलोसिटी लौ, यहाँ पे मेरे पास क्या नेगेटिव यू सो ये आ जाएगा नेगेटिव एम यू सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी पी टू पी टू की वैल्यू माइनस एम यू तो माइनस साइन है सो पी वन की वैल्यू एम यू अपॉन टाइम तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो so, मेरे पास फोर्स कितनी आ जाएगी माइनस टू एम यू अपॉन टाइम तो ये मेरे पास फोर्स आगी कौन सी फोर्स आफ्टर हिटिंग द वॉल मतलब ये फोर्स हमें किसके कारण मिल रही है ड्यू टू वॉल ड्यू टू वॉल मतलब दीवार के कारण ये फोर्स हमें मिलेगी तो बट हमें कहा क्या गया है कि है ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल तो हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें मालूम है फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है तो अगर मैं बात करूं हालांकि यहां पे हमें मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है तो मैं फिर भी कह देता हूं फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वॉल हैज मैग्नीट्यूड जो मेरा F1 वन लेट दो किसीज है इसे हम फोर्स मान लेते हैं F1 ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वन की इक्वल है एंड हैज अ डायरेक्शन नॉर्मल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक है सो इसका मतलब क्या है इसे भी हम समराइज कर लेते हैं देखिए जब मेरी बॉल दीवार से टकराएगी तो जो मेरी दीवार है इस फोर्स से उसे वापस भेजेगी ठीक है तो इस फोर्स से वापस भेज रही है तो इसका क्या मतलब है जैसे न्यूटन ठड़ ला के मतलब इतनी फोर्स से हमने इसे मारा था नेगेटिव साइन क्या है? बता रहा है कि ये दीवार की तरफ से दी गई हुई फोर्स है ठीक है लाइक ये हमें F1 है जो दीवार की तरफ से दी गई हुई है तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी इस डायरेक्शन में है ना तो नॉर्मल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हमारी डायरेक्शन आ गई जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था इन दिस क्वेश्चन अब हम सेकंड केस देख लेते हैं अब इस केस में हमारे पास जो मास ऑफ बॉल है वो तो एम ही रहेगा फर्स्ट केस में भी एम था सेकंड केस में भी एम है तो इस केस में क्या दिखा रहे हैं हमें कि जो मेरी बॉल है वो वॉल के साथ थर्टी के एंगल बना के स्ट्राइक कर रही है तो उसी थर्टी के एंगल से वो वापस जा रही है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अब जैसे ये मेरी दीवार आ गई है ना तो जैसे मेरी बॉल यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है है ना हमें लगेगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो थर्टी डिग्री टू वॉल है नहीं जो मेरी फोर्स है वो हमेशा ही नॉर्मल लगेगी अकॉर्डिंग टू वॉल दीवार के अकॉर्डिंग ठीक है जो मेरी बॉल है वो दीवार के साथ हमेशा जो फोर्स है वो नॉर्मल ही रहेगा सो so, अब इसे हम रिवॉल्व कर लेते हैं लाइक like, है ना एक मेरे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा ठीक है तो एक मेरे पास ये कंपोनेंट अगर मैं प्लस यू को अपना रिजल्टेंट मानूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे ठीक है एक आप ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा तो थीटा कितना है मेरे पास थर्टी तो ये थर्टी क्योंकि ये एंगल थर्टी है तो ये भी मेरे पास थर्टी होगा क्यों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्स लाइन तो यू कॉस थर्टी तो ये कॉस्ट थर्टी था तो ये कितना आ जाएगा यू साइन थर्टी तो ये मेरा पॉजिटिव यू दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया सो so, ये कंपोनेंट में अलॉन्ग एक्सिस तो ये कॉम्पोनेंट मेरे किसके अलाग आ गया अलॉन्ग वाई एक्सिस के आप देख सकते हैं विद आवर रेफरेंस लिस्ट जिन्होंने दी हुआ है तो ये स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद हमने विलॉफ्टी को नेगेटिव व्यू ले लिया तो अब स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी मेरे पास इसे दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर लेंगे लाइक दिस वन u cos 30 तो u यहाँ पे नेगेटिव था सो so नेगेटिव u cos 30 एंड अगेन इन y एक्सिस मेरे पास आ जाएगा u sin 30 तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे वाई कंपोनेंट है उसमें मेरी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही ठीक है बिल्कुल भी ठीक है तो चेंज इन वाई एक्सिस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो सेम यहाँ पे मेरे पास चेंज किस में हो रहा है ओनली एक्स एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव तो सीधा ही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सो so, फोर्स हमें मालूम है लेट इट बी फोर्स टू चेंज इन मोमेंटम सो लेट इसे हम मान लेते हैं पी वन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इसे हम मान लेते हैं पी टू फाइनल मोमेंटम सो फाइनल मोमेंटम कितना माइनस यू कॉस थर्टी इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितना है माइनस के साइन के साथ यू कॉस थर्टी अपॉन टी अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एफ टू मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस टू यू कॉस थर्टी अपॉन टी दिस इज माई फोर्स इन केस ऑफ पी पार्ट अब हमें डायरेक्शन बतानी है फोर्स की ठीक है लाइक इस डायरेक्शन में सो so, सेम कि जो नॉर्मल टू एक्स एक्सिस ठीक है सो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन डायरेक्शन नॉर्मल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगी तो मैग्नीट्यूड भी इसके इतने रहेगा हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर ने हमें मैग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया जब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एफ वन और एफ टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं कही गई इसका कारण है क्योंकि जो टाइम है ये काफ़ी छोटा होता है है ना वेरी वेरी स्मॉल तो ये फोर्स कैलकुलेट करनी बहुत मुश्किल होती है हम आसानी से इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते सो so, इसलिए उसने डायरेक्शन पूछ लिया कि डायरेक्शन किस तरफ है तो डायरेक्शन हमारी नॉर्मल टू द वॉल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस या आप कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो सेकंड पार्ट में हमें इसी क्या पूछ गया रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स तो हमें रेशियो फाइंड करनी है एफ वन ओवर एफ टू तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं मेरे पास एफ वन की कितनी है माइनस एम यू अपॉन टी एफ टू की माइनस टू यहाँ पे एम लगा लीजिए साथ में सो एम एम तो मास तो कॉन्स्टेंट था यहाँ पे आप मास ऐड कर लीजिए साथ साथ में सो टू एम यू कॉस थर्टी डिग्री अपॉन टाइम सो अब माइनस से माइनस कैंसिल टू से टू कैंसिल एम से एम कैंसिल यू से यू कैंसिल टी से टी कैंसिल तो मेरे पास क्या बच गया वन बाय कॉस थर्टी वन बाय अंडरूड थ्री बाय टू सो माई एफ वन ओवर एफ टू कम्स आउट टू बी टू अंडरूड थ्री मतलब इसे अप्रॉक्स इसे डिवाइड करें तो मेरे पास कितनी वैल्यू होती है 1.2 तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि माई एफ़ वन इज इक्वल टू वन टाइम्स एफ़ तो हमारी जो फोर्स वन है है ना जो हमें फोर्स वन है उसकी वैल्यू 1.2 पॉइंट टाइम्स एफ़ से ज़्यादा होगी सो दिस इज़ आवर आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो